हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्वेश्चन 12.2 में हमें आईयूपीएसी देना है इन 7 कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इनका नाम क्या है। लेकिन बिफोर राइटिंग देयर नेम हमें पता होना चाहिए कि हम लोग हमेशा पेरेंट चेन लेते हैं या रूट चेन लेते हैं। रूट चेन कौन सी होगी, जैसे लॉन्गेस्ट चेन होगी, जैसे पेंट हो 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हिग्स लिखेंगे, प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2 यूज होता है, इससे पहले होता है प्रीफिक्स 2 प्लस प्रीफिक्स 1। अब इसमें सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले सफिक्स की बात करते हैं। सफिक्स में होता है एन, ईन और आयन। अगर आपके कंपाउंड में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाते हैं। ये हो गया सफिक्स 1। सफिक्स 2 होगा हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड कीटोन है। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है तो इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी होती है एल्डिहाइड की, तो पीछे लग जाएगा अल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सो, और ये ऑक्सो कहाँ लगेगा, ये ऑक्सो बन जाएगा इधर। प्रीफिक्स 2 है लोअर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 में से कोई भी कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन इसमें से एक होगा लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रायोरिटी कम हो। और प्रीफिक्स 2 में आप ले सकते हो ब्रांचेस, कितनी भी ब्रांचेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही हो, काफ़ी सारी भी हो सकती है। सो इसी तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, सबसे पहले देखेंगे रूट चेन, सफिक्स 1, सफिक्स 2, उसी तरीके से प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2, तो CH3 CH CH3 CH2 CH2। अब ये कंपाउंड है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वहीं से करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सबसे नज़दीक पड़ता है। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें हमारे पास ब्रांचेस कौन सी हैं, हमारे पास एक ही ब्रांचेस हैं, ब्रांच है वो भी मिथाइल। अब इसका मैं नाम लिखूंगा। 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेंट। एन इन आइन क्या है हमारे पास, एन ही है तो पेंटेन। और सफिक्स 2 क्या है, एल्डिहाइड है तो 1 पे क्या है, अल। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो अल भी लिख सकते हैं, और जब दो वावल एक साथ आ जाते हैं तो ई को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हो गया पेंटेनल। अब इसमें प्रीफिक्स 2 और प्रीफिक्स 1 में लोअर प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप तो नहीं होगा, हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी तो तभी यूज़ होगा जब हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप हो, यहाँ पे तो हमारे पास एक ही फंक्शन ग्रुप है। तो हमारे पास एक ब्रांच बची, ब्रांच का किस पे, किस पोजिशन पर, 4 पे है, तो हम लोग लिखेंगे 4 मिथाइल पेंटेनर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपाउंड का नाम। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कंपाउंड कैसे लिख रहे हो। CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH, इसमें है नीचे CH2 CH3, C2H5 है, मैंने उसको ओपन कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप है, एक तो है कीटोन और एक है CL, और एक ये ब्रांच है। अब दो फंक्शनल ग्रुप हो गए तो एक हाई प्रायोरिटी कौन सा हो गया, कीटोन, और लोअर प्रायोरिटी कौन सा हो गया, CL। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल क्लिचर करते हुए नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कब करेंगे हम लोग, जहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे क्लोज आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 1 2 3 4 5 6, तो क्लोज आ रहा है, और इधर से करूँगा तो 1 2 3 4 4 आएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, आप समझ ही गए होंगे कि 3 हम लोग यहाँ से करेंगे। तो हमारे पास एक लोअर प्रायोरिटी है क्लोरो और एक है इथाइल। ई और सी में से पहले सी आता है तो मैं 6 लिखूंगा, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्स एन इन आइन, एन ही है हेक्सेन 3 ओ, बस ये हो गया। इसमें ई अगर मैं लगा देता तो दो वोवल एक साथ हो जाते तो इसलिए एक ड्रॉप कर दिया, तो इस कंपाउंड का नाम है 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओ। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ये थोड़ा सिंपल है, CH डबल बॉन्ड CH CH, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, नंबरिंग तो यहीं से होगा, 1 2 3 4
टू पे क्या है, इन है, और ये ब्यूटेन हो गया। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ब्यूट, एन इन आइन, ब्यूट टू इन, और वन अल है। अब दो वॉवल एक साथ आ रहे हैं तो एक को हटा देते हैं, सीधा हम लोग वन लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। ब्यूट टू इन अल, ये हमारा कंपाउंड हो गया। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वार। कंपाउंड फोर का जो नाम है उसको लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड दिख रहा है हमें। सिंस ये सिमेट्रिकल है तो आप कहीं से भी नॉमेनक्लेचर या नंबरिंग कर सकते हैं, तो मैं इधर से करता हूँ। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि पांच कार्बन है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा पेंट, एन इन आइन, पेंटेन, 2,4-डाईओ। ठीक है, दो कीटोन है तो इसलिए हम लोग इसे 2,4-डाईओन यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज CH3, CH3, CH2। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, तो नॉमेनक्लेचर मुझे यहीं से करना पड़ेगा, मतलब नंबरिंग यहीं से करनी पड़ेगी। सो इसका क्या होगा, तीन कंपाउंड है, एक 5-3-3, तो 3-3-5 ट्राइमिथाइल हेक्स 2। सिक्स क्वेश्चन अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो ये है टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड हमें लगाना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, सो इट वुड बी 3,3-डाईमिथाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, 1 ओइक एसिड लिखने की जगह हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के दोनों ही साइड पे एल्डिहाइड लगाया पैरा पे, तो हमें पहले से ही पता है जब भी एल्डिहाइड को हम लोग पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,4-डाईकार्बोल्डिहाइड। और ये हो गया हमारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर।